अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेली प्राइम के इस अध्याय में हम बताएंगे स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट क्या है, इसका क्या उपयोग है और टैली पर हम इसे कैसे देख सकते हैं। स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में बात करने के पहले हम आपको बता दें कि बिजनेस में रिपोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। जिस तरह ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, ठीक उसी तरह व्यापार की रिपोर्ट्स भी हमें हमारे व्यापार की आंतरिक स्थिति के बारे में जानकारी देती हैं। इससे पहले वीडियो नंबर 65 में हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के एजिंग एनालिसिस के बारे में बता चुके हैं। उसमें हमने बताया था कि उस रिपोर्ट की सहायता से आप अपने कस्टमर्स से समय पर वसूली कर पाते हैं, साथ ही जिन सप्लायर्स को पेमेंट देना होता है उन्हें भी समय पर पेमेंट दे पाते हैं। ठीक उसी तरह की इन्वेंट्री यानी स्टॉक से संबंधित एक रिपोर्ट टैली हमें देता है जिसे हम स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट कहते हैं। ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि हमारे यहाँ कौन सा स्टॉक कितनी मात्रा में कितने समय से रखा हुआ है। अब सवाल ये कि इस रिपोर्ट का फायदा क्या है। आपको इसके फायदे समझाने के लिए हमने पहले से ही बिग बाजार के नाम से एक कंपनी बना रखी है जिसमें हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड कर लिए हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। प्रायः हमें जब अपने यहाँ ये देखना होता है कि कौन से माल का कितना स्टॉक है तो हम स्टॉक समरी देखते हैं। इसके बारे में हम आपको अपनी वीडियो नंबर 40 और 41 में डिटेल में बता चुके हैं। ये देखिए, इसमें दिखाई दे रहा है कि इस कंपनी में कौन कौन से स्टॉक ग्रुप्स हैं और उनके अंदर कौन कौन से स्टॉक आइटम्स हैं, और यहाँ इनका क्लोजिंग स्टॉक और उसका रेट और वैल्यू दिखाई पड़ रही है। पर यदि यहाँ पर आप ये जानना चाहें कि कौन सा माल कितनी क्वांटिटी में कितने समय से रखा हुआ है तो ये हमको यहाँ पर पता नहीं पड़ रहा है। इसके लिए हमें स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट पर जाना होगा। इसके दो तरीके हैं। पहला, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के लिए डी प्रेस करें। यहां पर स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री के लिए ई प्रेस करें और अब स्टॉक एजिंग एनालिसिस के लिए ए प्रेस करें। यदि आप यहां पर दिखाई पड़ रहे सभी स्टॉक ग्रुप्स के अंदर बने स्टॉक आइटम्स की रिपोर्ट्स एक साथ देखना चाहते हैं तो प्राइमरी पर जाकर एंटर प्रेस करें। ये देखिए, स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट दिखाई दे रही है। अब हम दूसरा तरीका देख लेते हैं। यदि आप टैली में कहीं पर भी कोई काम कर रहे हैं और स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गोटू पर जाना होगा। यहां पर टाइप करें स्टॉक एजिंग एनालिसिस और एंटर प्रेस करें। यहां पर प्राइमरी सिलेक्टेड है, हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, हमारे सामने स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट आ रही है। यहां पर एक खास बात ध्यान रखें, इसमें सबसे पहले F2 प्रेस करके आज तक का पीरियड सिलेक्ट करें, क्योंकि यदि आप गलत पीरियड की रिपोर्ट देखेंगे तो वो आपके लिए काम की नहीं होगी। हम आज तक की तारीख 31 दिसंबर तक का पीरियड ले रहे हैं। ये देखिए, इस रिपोर्ट में लेफ्ट साइड में एज्ड बाय डेट ऑफ परचेज लिखा है। इसका मतलब ये है कि आप ये जो रिपोर्ट देख रहे हैं ये आपने जो परचेस की है उसकी तारीख के आधार पर आ रही है। इसके बाद राइट साइड में सबसे ऊपर तारीख लिखी है, इस और सभी स्टॉक आइटम्स के नाम है और उनके आगे ये आइटम्स कितनी क्वांटिटी में स्टॉक में है ये लिखा है। इसके बाद आप इस निशान के साथ 45 लिखा देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो माल का स्टॉक है वो 0 से 45 डेज के बीच में परचेस किया गया है। इसके बाद वाले कॉलम में 45 से 90 डेज के बीच में की गई परचेस दिखाई पड़ रही है। इसी तरह 90 से 180 डेज
और आखिर में 180 डेज या उससे ज्यादा पुरानी परचेज दिखाई पड़ रही है। आपको ये रिपोर्ट पूरी दिखाई दे इसके लिए हम स्क्रीन के फॉन्ट साइज को कम कर रहे हैं। ये देखिए अब पूरी रिपोर्ट एक साथ दिखाई दे रही है। अब हम वापस फॉन्ट साइज को पहले जैसा कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस रिपोर्ट के फायदे क्या हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे एक व्यापारी स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट निकालता था और उसमें जो माल 45 दिन में सेल नहीं होता था उसे वो 45 डेज के बाद अपनी परचेस प्राइस पर बेच देता था, और जो माल परचेस प्राइस पर भी नहीं बिकता था उसे 90 डेज होने के बाद 10% कम यानी 10% के नुकसान पर सेल कर देता था। जब हमने व्यापारी से इसका कारण पूछा तो उसने बताया, मैं ऐसा सोचता हूं कि जो माल 45 डेज में नहीं बिका उसका क्या भरोसा कि वो आगे कब सेल होगा, इसलिए मैं हर निश्चित अवधि के बाद उसका मूल्य और भी कम करके बेचने के लिए तैयार रहता हूं। इस सोच के पीछे उसने जो कारण बताए वो इस तरह है। पहली बात तो ये कि लंबे समय तक माल पड़े रहने से जो नुकसान होता है, जैसे व्यापार करने के लिए बैंक से लोन ले रखा है तो जितने समय तक माल सेल नहीं होता है उस माल पर ब्याज तो लगता ही है और इस ब्याज से प्रतिदिन माल की लागत बढ़ती जाती है। दूसरी बात, माल न बिकने से जो कैपिटल ब्लॉक है उसकी वजह से नया माल नहीं खरीद पाते। तीसरी बात, यदि लंबे समय तक बगैर बिका माल ज्यादा क्वांटिटी में स्टॉक में रहता है तो निश्चित रूप से उसे रखने के लिए ज्यादा जगह जैसे गोडाउन्स वगैरह की जरूरत बढ़ जाती है और गोडाउन्स को मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत होती है। दुनिया में रोजाना एक से बढ़कर एक नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, जैसे मोबाइल की रोजाना नए नए मॉडल्स आते हैं। अब यदि आपके पास पुराना मॉडल स्टॉक रह गया तो उसको कौन लेगा, इसलिए भी जरूरी है कि अपने स्टॉक में पुराने आइटम्स चेक करते रहें और उन्हें समय पर बेच दें। व्यापार में हमारी वर्किंग कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा इन्वेंट्री यानी स्टॉक में लगा होता है। यदि हम फास्ट टर्नओवर नहीं करेंगे तो हमारा कैश फ्लो भी कम होगा, इससे व्यापार में प्रॉफिट कम होगा या नुकसान होगा। ये भी एक बड़ा कारण है कि कोई भी माल अनावश्यक रूप से अधिक समय तक स्टॉक में नहीं रखा जाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस रिपोर्ट को और डिटेल में देखने के लिए ऑल्टर के साथ F5 की प्रेस करते हैं। ये देखिए, यदि आपने अपनी कंपनी में गोडाउन्स बनाए होंगे तो उनकी रिपोर्ट इस तरह दिखाई पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं गोदरेज ऐसी 1.5 टन के दो नग हैं जिन्हें खरीदे हुए 180 दिन से ज्यादा हो गए हैं और इनमें से एक नग अशोकनगर में और दूसरा नग मेन लोकेशन में स्टॉक में है। अब दूसरी बात समझ लेते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बैच वाइज डिटेल्स के बारे में बताया था। यहां भी हमने तीन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट 1, 2, 3 ऐसे लिए हैं जिनमें बैच नंबर और उनकी डिटेल्स दी हुई है। यहां ऑल्टर के साथ F5 प्रेस करने से ये डिटेल्स दिखाई पड़ रही है। इसे आगे हम डिटेल में समझेंगे, अभी आपको हम दूसरी बातें समझा देते हैं। यदि आप ऊपर जो एजिंग पीरियड देख रहे हैं उसे बदलना चाहते हैं तो उसके लिए F6 प्रेस करें। यहां पर हम ये जो अंतराल है इसमें चेंजेस कर रहे हैं, ये 0-45, 45-90 के बजाय हमने इसको 0-30, 30-60, 60-90 इस तरह से चेंज कर दिया है। अब इसे हम सेव कर लेते हैं। अब ये देखिए हमने जो चेंजेस किए हैं रिपोर्ट अब उसके अनुसार आ रही है। यदि आप इस चार्ट में सिर्फ क्वांटिटी ही देखना चाहते हैं तो F7 प्रेस करें। अब वापस क्वांटिटी के साथ वैल्यू देखने के लिए F7 प्रेस करें। आइए अब हम इस रिपोर्ट की एक महत्वपूर्ण बात समझ लेते हैं, उसके लिए हम F4 प्रेस करेंगे। ये यहां पर लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप आ रही है, हम इसमें से प्रोडक्ट नाम का
स्टॉक ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसा करते ही सिलेक्ट किए गए स्टॉक ग्रुप में जितने भी स्टॉक आइटम्स बने हैं उन सभी की डिटेल्स दिखाई पड़ रही है। चलिए अब हम आपको एजिंग स्टाइल का उपयोग भी बता देते हैं। उसके लिए F9 प्रेस करेंगे। यहां पर चार स्टाइल्स दिखाई दे रही हैं, जिसमें से पहली बाय डेट ऑफ परचेस तो वही है जिसे अभी हम देख रहे हैं। बाकी की तीनों बैच वाइज डिटेल से संबंधित हैं। आपको याद ही होगा कि इसके पहले वाली वीडियो जो बैच वाइज डिटेल से संबंधित थी, उसमें हमने देखा था कि कई प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट वाले होते हैं, तो उनमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी प्रोडक्ट एक्सपायर हो उसके पहले ही हम उसे बेच दें, चाहे ये काम हमें कम मुनाफे में या नुकसान में ही क्यों न करना पड़े। इस तरह की जानकारी भी हमें स्टॉक एजिंग एनालिसिस से ही प्राप्त होती है। अब आगे हम उसी पर बात करने वाले हैं। यहां हम बाय मैन्युफैक्चरिंग डेट सिलेक्ट कर रहे हैं। शो ओनली एक्सपायर्ड बैचेस को नो ही रहने देंगे। ये देखिए, हमें सभी प्रोडक्ट की बैच की मैन्युफैक्चरिंग डेट दिखाई पड़ रही है। साथ ही रिपोर्ट में ये भी दिखाई पड़ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट से अभी कितने दिन हो चुके हैं। समझने के लिए, ये प्रोडक्ट 2 नवंबर 22 को मैन्युफैक्चर हुआ था और हम रिपोर्ट 31 दिसंबर 2022 को देख रहे हैं, इसलिए ये 30 से 60 दिन के बीच में दिखाई पड़ रहा है। अब हम टू बी एक्सपायर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये रिपोर्ट बता रही है कि कौन से प्रोडक्ट को एक्सपायर होने में कितने दिन बाकी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 31 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट में 2 मार्च 23 को एक्सपायर होने वाले प्रोडक्ट 60 से 90 दिन के बीच में दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम बाय एक्सपायरी डेट सिलेक्ट कर रहे हैं और इसके नीचे शो ओनली एक्सपायर्ड बैचेस को यस कर रहे हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो एक्सपायर हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पर पूरी रिपोर्ट ब्लैंक आ रही है। उसका कारण ये है कि हमारे पास अभी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो एक्सपायर हो चुका हो। हम आपको ये अच्छे से समझाने के लिए ये चित्र दिखा रहे हैं। ये देखिए, इसमें CK2192 वाले बैच की एक्सपायरी डेट 2 मार्च 23 है, तो समझने के लिए हम इस रिपोर्ट की डेट बदलकर 3 मार्च 23 कर देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए, 2 मार्च को ये प्रोडक्ट एक्सपायर्ड हो चुका होगा जो कि रिपोर्ट में हमें दिखाई पड़ रहा है। इस तरह आपने देखा कि इस रिपोर्ट की सहायता से आप अपने पुराने माल और ऐसे माल जो कि एक्सपायर होने वाले हैं उनको समय रहते सेल कर सकते हैं और नुकसान होने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने सीखा स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट क्या है, टैली पर इसे कैसे देखें और इसका क्या उपयोग है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।